ये जो सामने जो अंकल जी देख रहे हैं ना पल्सर पे, इनके जूते में लेस नहीं है भाई, बिना लेस के पहने कैसे हुए हैं? हमारी तरह पहने, चप्पल पहने हमारी तरह। अरे चलो अंकल, अरे अंकल तो एकदम पीछे पड़ जाते हो भाई, अरे गजब लगो एक्सप्लोर। अरे यार पहले यार जैकेट उतारो यार, गर्मी लग रही है इतनी। कोई ऐसी कोई जगह बची नहीं है जो मैंने एक्सप्लोर ना की हो, कोई ऐसी कोई जगह बची नहीं जहाँ पर मैं गया ना हूँ। अभी ये जो जगह है ना, ये नई जगह नहीं है, ये मैं तुम लोग को ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। मतलब ऐसा होता है ना कि आप बहुत दिनों बाद देखो तो हाँ नई जगह लगने लगती है, तुम लोग तो भूल जाते हो, तुम लोग तो पब्लिक हो। तो मैं तुम लोगों को नई जगह घुमाने लेके आया हूँ, अब देखो नई जगह तुम लोग देखो यार। और इससे पहले तुम लोग कमेंट में तुम लोग कुछ भी बकवास लिखो, उससे पहले मैं तुम लोग बताना चाहता हूँ, अंबेडकर पार्क में कैमरा मना है। सिंपल सी बात है, अंबेडकर पार्क में कैमरा ले जा ही नहीं सकते। अरे भाई साहब अंदर ही नहीं ले जा सकते, तुम क्या बात कर रहे हो। तो बेसिकली जहाँ जहाँ पर कैमरा अलाउड है, मैं वो सारी जगह मैं तुम लोग को ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। देखो मोस्ट ऑफ द ब्लॉगर क्या करते हैं ना, वो लोग अपने घर में शूट करते हैं। मैं वो चाहता नहीं हूँ कि मैं अपने घर में जाके शूट करूँ, बाद में अगर कभी अगर शौक होगा तो देखा जाएगा, लेकिन अभी तो मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है कि मैं तुम लोग को अपने घर पे जाके दिखाऊँ कि हाँ भाई साहब ये मैं खा रहा हूँ, ये मैं रहा हूँ, ये मैं ये कर रहा हूँ, ये मैं वो कर रहा हूँ। अरे बाहर समझ में आता है यार, लेकिन घर में यार, घर में तो वही सब लोग दाल ही चावल खाते हैं। मुझे इस रोड का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। इस समय दिन के 2 बज रहे हैं, तो वहाँ से एंट्री होती है इस रोड तक की, जो कि मैक्सिमम टाइम बंद रहती है। कभी भी मुझे समझ में नहीं आता भाई साहब, कोई टाइमिंग है, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई आइडियोलॉजी है, कोई थिंकिंग है, या कभी यहाँ पर आओ मना कर देता अंदर नहीं आ सकते भाई। कभी वो एकदम खुला रहता है, कभी एकदम अंदर घुसते चले आओ कुछ नहीं कहता है। कोई एक पैटर्न एक होना चाहिए ना, इस टाइम पे इस जगह पे तुम आ सकते हो या नहीं आ सकते हो। रात में नहीं आ सकते, सुबेरे आ सकते हो, सुबेरे नहीं आ सकते, दिन में आ सकते हो, दिन में नहीं आ सकते, रात शाम को आ सकते हो। कोई टाइम तो होना चाहिए ना भाई साहब। उसका गार्ड का जब मन करता है वो तब किसी को भी आने देता है, और जब उसका मन नहीं करता वो सबको मना कर देता है। ये क्या है यार, तुम अपने घर से तुम लफड़ा करके आ रहे हो, तुम अपने घर से लफड़ा करके आके यहाँ पर आके भड़ास निकाल दोगे पब्लिक के ऊपर? नहीं आज मेरा मूड नहीं है, तुम इस रोड पे नहीं जा सकते तो तुम नहीं जाओगे। अरे भाई तुम्हें गार्ड तुम्हें रखा गया है यार, अगर जाना है नहीं जाना उसकी टाइमिंग तो बता दो ना। ओके सो तुम लोग अगर मैं सामने आकर देख रहे होगे, यह अम्बेडकर पार्क है, बड़ी सी बिल्डिंग है, मतलब अंदर काफी कुछ है, अंदर मूर्तियां वूर्तियां बहुत सारी रखी हुई है ना, एकदम ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर लगता है। वहां पर जब फोटो खिंचाओ ना भाई, मतलब एकदम रॉयल्टी वाली एकदम फीलिंग आती है कि इधर भी आती उधर भी आती, मतलब बहुत कुछ है यहाँ पर, बहुत सुंदर बहुत लगता है इसके अंदर भाई। हम लोगों ने पता नहीं कौन कौन से हम लोगों ने फोटो शूट की है इसके अंदर, इतना मजा आता है ना हमें फोटो शूट करने में। जो नजारा दिखता है अंदर से, जो नजारा दिखता है भाई एकदम नेक्स्ट लेवल दिखता है। मतलब सिर्फ यही नहीं, जितने भी मॉन्यूमेंटल प्लेस है जो कि लखनऊ के, वो सारे ही देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। लखनऊ इतना खूबसूरत लगता है इन टर्म ऑफ मॉन्यूमेंट, बहुत इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन वही है कि हम लेके नहीं जा सकते इसको, तो मेरी चलो वो पर्सनल तकलीफ है। लेकिन अगर तुम लोग अगर लखनऊ अगर आ रहे हो ना ऐसी जगह पे जो मॉन्यूमेंटल प्लेस है, जहाँ पर बेसिकली जहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है, तुम लोग वहाँ पर एक बार जाके एक बार देख लेना, मजा आ जाएगा वहाँ पर तुम लोगों को। रिया गए हम लोग अपने नॉर्मल चढ़ाई वाले रास्ते पे, यहाँ पर ब्रेक पकड़ पकड़ के उतरना पड़ता है भाई। चलो आज लेफ्ट नहीं, आज राइट आज चलते हैं। मैं एक ऐसी जगह की मैं तलाश में हूँ जहाँ पर हम प्यार से बैठ के बात कर सके। अरे भैया ये क्या है अभी, ये कहा आ गए हम। What is this roundabout? क्या है ये, कौन सी जगह है? और चलो यहीं पर ही रुकते हैं। मेरा ना कैमरा इस समय सीसीटीवी बन गया है, क्या करें यार, अब और कोई अब जगह ही नहीं मिल रही थी जहाँ पर रख के मैं शूट कर सकूँ। ओके सो तुम लोगों ने ये वाली वीडियो देखी है? अगर नहीं देखी है ना तो बहुत अच्छा काम किया है भाई, उसको मत देखना क्योंकि वो इतनी मनहूस वीडियो है ना। मैंने जब से भाई साहब अपने डेली ब्लॉगिंग का अपना करियर अपने स्टार्ट किया है, वो वाली वीडियो इतनी मनहूस है ना, जब से मैंने बनाई है तब से एकदम पूरा पंचुअलिटी का पूरा इधर उधर घुस गया है भाई। तो अगर तुम लोगों को नहीं पता है, मैंने जब डेली ब्लॉगिंग जब स्टार्ट किया था उस समय मैं ब्लॉग डालता था 10:27 AM पे पंचुअल। जब मैंने जब वीडियो डाला वो वाला भाई साहब, उसके बाद जो पनौती लगी ना जो मेरे चैनल पे, उसके बाद एक भी मेरा ऐसा वीडियो नहीं गया जो 10:27 पे एकदम राइट टाइम चैनल पे चला गया हो। ती अंदर यार ऐसा हो रहा है ना, मेरा मुंह में ना छाले बहुत सारे हो गए हैं, तो शब्द मैं खा जा रहा हूँ बेसिकली। तो अगर मैं अगर ब्लॉग में अगर शब्द अगर खा जाऊँ तो समझ जाने कि हाँ भाई सब छाले हो चुके हैं। तो यार एक होता है ना कि हाँ इंसान को पंचुअल होना जरूरी होता है, वो भी काइंड ऑफ एक डिसिप्लिन का एक हिस्सा होता है ना, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया मेरे से। देखो यार ऐसा नहीं है मैं पंचुअल नहीं होना चाहता, मैं पंचुअल होना चाहता हूँ, लेकिन बस किसी कारणवश मैं हो नहीं पा रहा है यार। मतलब
बहुत झंझट है। मैं क्या करूँगा ना, मैं जल्दी मैं कोशिश करूँगी कि भाई साहब जल्दी ही जो है भैया, मैं डर गया था यार। ये झाड़ी देख रहे हो ना, मैं झाड़ी के एकदम पास में एकदम खड़ा था, है ना, बहुत तेज कुछ खड़बड़ खड़बड़ कुछ आवाज आई। यार पता नहीं यार सांप वाप निकल जाएगा, अगर सांप वाप निकल गया भाई साहब मैं तो गया। भैया जो भी हो जानवर हो, मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपना काम करो, बस भैया काटना मत मुझे, मुझे मेरी जान प्यारी है। तो अभी मैं क्या करूंगा ना, मैं अपने पुराने शेड्यूल पे, अपने पुराने डिसिप्लिन पे मैं वापस आने की मैं कोशिश करूंगा। मुझसे ये नया वाला शेड्यूल मुझसे हैंडल नहीं हो पा रहा है। और हैरानी के बाद देखो, उस दिन में मैंने यही वाली मैंने टी शर्ट पहनी हुई थी और आज भी मैंने यही वाली मैंने टी शर्ट पहनी हुई है। तो वाह क्या बात है, टी शर्ट में तो दिक्कत नहीं है। अरे भाई साहब जैसे ही कैमरा चालू करो ऐसे पता नहीं कहाँ से भीड़ आ जाती है। ऑलराइट गाइस, सो एज यू कैन सी कि अभी जो है अभी शाम अभी हो चुकी है। मेरा प्लान था एक्चुअली कि निकलने का चाय पीने के लिए शर्मा जी के यहाँ, लेकिन अभी वो पॉसिबल हमें कैसे चल रहा है, लेकिन अभी वो पॉसिबल तो हो नहीं पाया। अबे यार ये क्या बेवकूफों की तरह चलते हैं। अभी वहाँ पर अभी बहुत ज्यादा भीड़ होगी और भीड़ होने की वजह से ना क्या होता है, वहाँ पर चाय अच्छी मिलती नहीं है। अभी मैंने जो है वो प्लान ड्रॉप कर दिया निकलने का वहाँ पर। तो अभी क्या करता हूँ ना, अभी हो चुकी है रात और रात हो गई तो अभी कुछ दिखाने के लिए है नहीं। मैं अभी निकलता हूँ अपने घर क्योंकि अभी हो चुकी है रात और अभी कुछ दिखाने के लिए है नहीं।